नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज अगस्त की 25 तारीख है और दिन है शुक्रवार। कई दिन से डिमांड आ रही थी कि ग्वार पर एक वीडियो बनाया जाए, तो चलिए आज ग्वार पर बात कर लेते हैं। ग्वार की, जैसे कि आप जानते हैं कि अलनीनो के कारण बहुत लंबे समय से बरसात की किल्लत है, बरसात की कमी है, मानसून काफी कमजोर है और बहुत बड़े एरिया के अंदर जहाँ ग्वार की फसल होती है वहां पर बरसात न होने से फसल जो है वो काफी कमजोर स्थिति में है, या यूं कहें कि फसल झुलस रही है, नष्ट हो रही है, खत्म हो रही है। पिछले साल की तुलना में इस साल बिजाई भी लगभग 30% तक कम होती हुई दिखाई दी है। बिजाई कम होना भी एक संकट था और बिजाई के बाद में जो फसल की जो स्थिति है वो नाजुक होती जा रही है क्योंकि बरसात नहीं है। और एक अनुमान ये लगाया गया है, जो हमारे विशेषज्ञ हैं हमारे राजस्थान में जो लोग काम कर रहे हैं, विशेष रूप से चांडक जी, श्रीपाल जी और दूसरे साथी जिनका मुख्य योगदान होता है फसल की जानकारी देने में, उनका ये मानना है कि 50% के आसपास जो है फसल खराब हो सकती है, नष्ट हो सकती है। और अगर स्थितियां ऐसी ही नाजुक बनी रही तो आने वाले दिनों के अंदर बाजार में फसल के अंदर और नुकसान बढ़ने की संभावना है। आने वाले 10 से 15 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इन 10 दिन में 15 दिन में अगर बरसात नहीं होती है तो फसल को बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ये तो कारण है फसल के में तेजी आने का। आपने देखा कि बाजार 6200 रुपये तक हाजिर में पहुंच गया है ग्वार का, और जो आपका गम का भाव है वो 11000 से 13000 के बीच में कारोबार करता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन आने वाले दिनों में तेजी रहेगी या नहीं रहेगी, इसके पीछे 2-3 जो कारण है प्रमुख रूप से, वो ये है कि एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गम की जो डिमांड है वो सामान्य है, अतिरिक्त डिमांड नहीं है, एडिशनल डिमांड नहीं है। 18 से 22 हजार टन का जो औसत मासिक गम का जो निर्यात है वो हो रहा है। अतिरिक्त डिमांड जब तक नहीं बनेगी तब तक आप ये मान के चले कि गम के अंदर बड़ी तेजी की संभावना दिखाई नहीं देगी। और अगर गम की डिमांड ही नहीं होगी तो फिर ग्वार भी कुछ ज़्यादा लंबे चौड़े भाव बनाता हुआ दिखाई नहीं देगा। क्योंकि उत्पादन घट रहा है और आगे सामान्य मांग भी चलती रहती है तो थोड़ी बहुत तेजी तो आएगी। यानी बाजार जो आप 6000 6200 रुपये का है ये आपको 7000 तक तो पहुंचता हुआ दिखाई दे सकता है। गम का जो मामला है वो 13 14 15 तक भी पहुंचता हुआ दिखाई दे सकता है। इससे ज़्यादा की तेजी फिलहाल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर, यानी जैसे मैंने बताया कि आगामी 10 दिन में अगर बरसात नहीं होती है तो फिर नए सिरे से हम बात करेंगे और नए सिरे से आपको रिपोर्ट देंगे कि गम में आगे कितनी तेजी है, ग्वार सीड में कितनी तेजी है। आज इतना ही। शाम के वीडियो में आपसे सरसों पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।